नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। दलित समाज के व्यक्तियों पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं। घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं वो बात अलग है, पर साथ ही हम आपको बता दें, जब दलित समाज के व्यक्तियों पर उत्पीड़न व अत्याचार की घटना घट जाती है तो उसकी FIR तक भी नहीं लिखी जाती। FIR लिखाने के लिए बहुजन समाज के व्यक्तियों को, सामाजिक संगठनों को आंदोलन करते हैं, जब कहीं करते हैं आंदोलन, जब कहीं जाकर उस पीड़ित पक्ष की, दलित समाज की, पीड़ित परिवार की FIR लिखी जाती है। तो साथ ही मिली जानकारियों के अनुसार एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है जनपद हाथरस थाना चंदपा के अंतर्गत आने वाले गाँव मोती राय से। साथियों, वहाँ पर एक दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसकी जांच कराने के लिए पीड़ित परिवार कई बार, जानकारियों के अनुसार बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार FIR लिखवाने के लिए जाता है, पर कई बार इधर उधर भटक रहा है पीड़ित परिवार, पर उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। तो साथियों, इसी दौर में, इसी बीच जुलम के खिलाफ आवाज़ जो कि संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके संस्थापक है चौधरी विजेंद्र सिंह, वो उस पीड़ित परिवार से मिलते हैं, दलित समाज के पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उस पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हैं। और 19/3/2021 की जो घटना बताई जा रही, जानकारियों के अनुसार बताया जा रहा है कि 19/3/2021 तक पीड़ित परिवार लगातार भटकता रहा, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। पर साथियों, 20/3/2021 को, 20 मार्च 2021 के जुलम के खिलाफ आवाज़ के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह, उनके कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के पास जाकर उनको साथ ले जाकर FIR कराते हैं और पूरा आश्वासन के देते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। तो साथ ही अब आप कमेंट बॉक्स में राय देना किस तरीके से उत्पीड़न व अत्याचार हो जाता है, परिवार भटकता रहता है FIR के लिए, सामाजिक संगठनों को हिस्सा बनना पड़ता है पीड़ित परिवार का जब कहीं जाकर FIR होती है। मिली जानकारियों के अनुसार जो कुछ भी मिला था वो हमने आपको बताया। हमने चौधरी विजेंद्र, जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनपद हाथरस में, उनसे भी बात की, उन्होंने जो जानकारी बताई वो हमने आपको बताई। लगातार आपने स्क्रीन पर तस्वीरें भी देखी होंगी। मैं विशाल कुमार, फिर मिलता हूँ बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।